तुम सबको तुम्हारे गुनाहों की सजा दूंगी। अब मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगी। मेरा नागिन रूप आ रहा है, ये इस रूप को कैसे मिटाऊं? भाई कहाँ, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, आ जाओ ना, एक ताश की बाजी हो जाए। गाइस शिवांगी इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, अब भाभी आ गई तो छोटे भाइयों को तो भूल गया ना। सुशांत ऐसी बात नहीं है। सुशु समझना यार, मतलब भाई की आज पहली रात है, सुहाग रात है। आई मीन भाई तो वेट कर भी लेगा, लेकिन भाभी को वेट करना सही नहीं है। सुशांत के साथ तू भी, मतलब कम ऑन भाई, मैं तो आपकी साइड हूँ, आप भी ना। ये क्या करूं, अपने इंसानी रूप में वापस कैसे आऊं मैं? जाना, माफ कर दे, माफ। जी लो भाई, तुम जी लो, ऐश करो, ऐश करो। गाइस, तुम लोग जस्ट लीव, बाय, जाओ, एंजॉय। हे शिव जी, मुझे मेरा रूप दे दो। ओम नमः शिवाय। शिव जी, मेरा इंसानी रूप दे दो। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ये कंबल, वो मुझे बुखार सा, बहुत ठंड लग रही है, तुम एसी बंद करोगे प्लीज? ये क्या हुआ सुशु, ये क्या कर रहा है तू? अरे समझा कर यार, अंधेरे में रोमांस का मजा ही कुछ और है। I mean, यहाँ पर ऐसे कभी पावर कट होता तो है नहीं, अचानक ये लाइट कैसे चली गई? ओम नमः शिवाय। शिव जी मदद कीजिए, मुझे मेरा इंसानी रूप दे दीजिए। वैसे अब तो एसी और लाइट दोनों ऑफ है, तो अब ये कंबल की क्या जरूरत है? ओ, तो ये तुम दोनों का स्टैंड है, रोमिल भी है, तुम दोनों ने। अरे अपना दिमाग का फ्यूज चला मेरी बहन, रॉकी और शिवांगी पावर हाउस में, तो थोड़ा पावर, अरे मिंटू से थोड़ा रोमांटिक फुटेज तो बनता है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फुटेज यहाँ पे, हम सब गर्मी में मर रहे हैं, उसका क्या? तू मुझे फ्यूज दे रही है, फिर बड़ी माँ को बुलाऊं, जल्दी दे। सुन अमनी, तो अरे पर थैंक गॉड, मैंने चार बार ओम नमः शिवाय कहा, शायद इसीलिए मेरा इंसानी रूप वापस आ गया। ये क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? किसी का झूठ इतना सच्चा कैसे हो सकता है? समझ सकता हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। एक पल था जब हम एक दूसरे से शादी कर रहे थे, मैं तुम्हारे इतने करीब, और अब सब बदल गया। उस दिन जो हुआ, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे परिवार के साथ जो, शिवांगी, I'm really sorry।
पता है जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं ना, उन दोनों के बीच में एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं। हम भी एक दूसरे से इतने अजनबी थे, कितने अनजान थे, पर अचानक जब मुलाकात हुई तो जाना तो ऐसे जाना जैसे कि जन्मों का रिश्ता जुड़ गया। लगा कि बहुत पहले से जानते हो, फिर भी एक दूसरे को जाने के लिए इतने बेताब। कुछ अपनापन सा था जो कि बहुत ही अपना था। फिर शादी के लिए हाँ कर दी हमने। पता नहीं वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के दिन जो कुछ हुआ शिवांगी, वो ना मेरे बस में था ना तुम्हारे बस में था। हम बिछड़ गए, और जब आज फिर से मिले तो हमारे गुजरे हुए कल के साथ, उस दर्द के साथ। जानता हूं कि यहां आई हो सदमे में, समझ सकता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही होगी जब तुमने मुझे किसी और के साथ शादी करते हुए देखा। लेकिन शिवांगी, जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हैं जो हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है, उसका क्या मतलब होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन आज जो हुआ है ना शिवांगी, बहुत चमत्कार हुआ है। कुछ चीजें जो हम नहीं समझते, कुछ समझा नहीं सकते। आज जब मैं उसे शादी कर रहा था तो मुझे जी कोई सफाई नहीं चाहिए। समझ सकता हूं तुम यही सोच रही हो ना, तुम्हें हमारे हुए 7 दिन भी नहीं हुए और मैं किसी और के साथ शादी कैसे। इन 7 दिनों ने हमारी जिंदगी बदल दी शिवांगी, फिर से एक दूसरे को अजनबी बना दिया, फिर से एक दूसरे से अनजान। लेकिन फिर से मैं तुम्हारा विश्वास जीतूंगा, क्योंकि जिस पल तुमने इस घर में पैर रखा मैं किसी और से शादी कर रहा था। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं शिवांगी, आज तुम यहां आई हो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं शिवांगी, सिर्फ एक दूसरे के लिए। शिवांगी ये आंसू कैसे? उस दिल के लिए जो तुमने तोड़ा है, जिसने सिर्फ तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी तरह नागमणि पाने के लिए नहीं। बहुत दर्द होता है जब जिससे प्यार किया वही दिल तोड़ दे। मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीतूंगा और उस पल का इंतजार करूंगा। तुम मेरा विश्वास कभी नहीं जीत पाओगे। तुमने मेरे दिल, मेरे विश्वास का खून किया है, मेरे परिवार का खून किया है। खून का बदला खून से लूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मार दूंगी। मैं फिर तुम्हारे करीब आऊंगा, जैसे उन 3 दिनों में आया था। अब 3 साल भी इंतजार करना पड़े तो करे, तुम्हारा दिल, तुम्हारा विश्वास फिर से जीतूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझे समझो, उस पल का इंतजार करूंगा। अब बहुत देर हो गई है रॉकी, अब मैं किसी और मकसद से यहां आई हूं। पहले तुम पे जान देती थी, अब तुम्हारी जान लेने आई हूं। जान लेके जाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए 3 दिन लगे या 3 साल, मैं अपनी हदों में तुम्हें उस हद पे ले जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करो और विश्वास करो कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। पर सच तो ये है, मैं तुमसे नफरत करती हूं, नफरत से भी ज्यादा नफरत। अब सो जाओ, रात बाकी है हमारी सारी जिंदगी की तरह।